तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी में जो बिक्सवी होता है दोस्तों, उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। बिक्सवी में नए अपडेट के साथ क्या नए चेंजेस किए गए उसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिस बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आए सबसे ज्यादा आपको मिले, और हो सके तो मुझे व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर लेना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे जल्दी मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ बिक्सवी के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले जाना है आपको अपने मोबाइल के यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर में चले आना है। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आप वहाँ पर देखेंगे माय अपडेट्स वाले सेक्शन में, तो आपको दिख रहा होगा वहाँ पर नए अपडेट्स आपको अवेलेबल दिख रहे हैं। जैसे कि मैं माय अपडेट्स वाले सेक्शन में आ गया हूँ, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपडेट में बिक्सवी का नया अपडेट। यहाँ पर आप देखेंगे बिक्सवी का नया अपडेट आपको मिल जाएगा, जो कि रोल आउट हुआ है 30 अक्टूबर को। बट ये अभी अपन को दिख रहा है, बिकॉज क्या होता है जो पहले प्रीमियम फोन्स में आता है और उसके बाद जाके मिड रेंज और सबसे लोएस्ट रेंज में ऐसे करके रोल आउट होता है। तो मेरे पास ये अपडेट आज ही दिखा है। यहाँ पर आप देखेंगे इस अपडेट में नया चेंजेस किया क्या गया है। इसको वन यू आई 6.0 पे अपडेट, मतलब वन यू आई 6 के जो भी जा चुका है उसके अंदर ये सपोर्ट करेगा, और उसके अंदर फॉन्ट्स और कलर की स्कीम वहाँ पर एड ऑन कर दी गई है। और क्या किया गया है, बिक्सवी शॉर्टकट्स फ्रॉम होम स्क्रीन एंड फाइंडर। इसके अंदर बिक्सवी का शॉर्टकट दे दिया गया होम स्क्रीन एंड फाइंडर ऐप में। आप यहां पर इजीली क्विकली कमांड और डिस्कवर पेज डाल सकते हैं। टाइप अ कमांड एंड बिक्सवी सेटिंग विथ न्यू शॉर्टकट्स, यू कैन एक्सेस देम बाय लॉन्ग प्रेसिंग द बिक्सवी आइकन ऑन द होम स्क्रीन और फाइंडर ऐप। तो यहां पर फाइंडर ऐप और होम स्क्रीन पे सपोर्ट दे दिया गया, तो पहले तो आपको कर लेना है इसको अपडेट। यहां से बैक आएंगे, इसके अंदर आपको पता है जब भी बिक्सवी का अपडेट आता है तो बिक्सवी वैकअप करके भी एक और ऐप होती है, उसके अंदर भी अपडेट यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर देखेंगे इसको भी अपडेट किया गया 30 अक्टूबर को। दोनों को आपको अपडेट कर लेना है। जब दोनों को आप यहाँ पर अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद आपको करना क्या है, जैसा कि आप देखेंगे ये अपडेट हो गया है। अपडेट तो इसमें नए अपडेट में दोस्तों ये किया गया है, आप बिक्सवी के डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर इन सब चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। डिस्कवर में बिक्सवी की जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ऐसी अगर आप उसमें प्रेस करके रखेंगे तो क्यूक कमांड देखना हो तो आप क्यूक कमांड को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। रिकमेंड और माई कमांड यहाँ पर आप डायरेक्टली दे सकते हैं, और यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे तो बिक्सवी सेटिंग भी आप डायरेक्टली यहाँ पर ओपन कर पाएंगे। एंड देन यहाँ पर आप टाइप अ कमांड भी ऑप्शन का यूज कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर अपडेट दे दिया गया है ताकि आप इजीली होम स्क्रीन से भी और आप यहाँ पर डायरेक्टली फाइंडर ऐप से भी इसको एक्सेस कर पाएं। अगर आप फाइंडर पे जाएंगे, यहाँ पर अगर आप लिखेंगे बिक्सवी, तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर बिक्सवी के 4 कमांड ऑटोमेटिक दिख रही है, जो कि पहले नहीं आती थी। आप चारों को आप यहाँ पर इजीली एक्सेस कर पाएंगे, डिस्कवर, क्यूक कमांड एंड बिक्सवी सेटिंग एंड टाइप अ कमांड, ताकि आप इन सब कमांड को ताकि आप बिक्सवी को बहुत ही इजीली, बहुत ही क्विकली आप यूज़ कर सकें। तो यही नया अपडेट था, यही नए फीचर ऐड ऑन किए गए हैं बिक्सवी के अंदर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और व्हाट्सअप पर भी मुझे फॉलो कर लेना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। थैंक यू।